जय गौ माता, जय गोपाल। अभी कुछ दिन पहले हमारे हेल्पलाइन पे एक कॉल आई। एक छोटा सा गाय का बछड़ा है और वो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है। हमारी टीम वहां पर पहुंची तो हमने देखा एक छोटा सा बछड़ा है जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है और उसकी बड़ी दयनीय अवस्था है। उसका पूरा पेशाब निकला हुआ था, गोबर निकला हुआ था और उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू थे। बहुत तकलीफ में था। वहां से इतने लोग गुजर रहे थे लेकिन किसी ने भी एक चलते रोड पर इस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने आसपास के दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 दिन से ये बछड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और हम इस बछड़े को उठाकर अपने उपचार केंद्र में लाए। यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स ने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया और ट्रीटमेंट जब शुरू किया तो हमें पता चला कि इसके जो पिछले दोनों पैर जो हैं उसमें फ्रैक्चर है और ये काफी दर्द में है। अभी इसका हमारे उपचार केंद्र में इलाज शुरू हो गया है और अब ये काफी अच्छा इसका इलाज चल रहा है और इसकी स्थिति में काफी सुधार है। इसी तरह के जो पीड़ित गौ माता और जो गोवंश जो होते हैं उनको हम अपने उपचार केंद्र पर लेके आते हैं और उनका हम यहाँ पर लाके उनका इलाज करते हैं। गौ सेवा का ये जो कार्य है हम अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं लेकिन इसको और अच्छी तरह से करने के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। मेरी आप सबसे विनती है कि इन घायल पीड़ित गोवंश और गौ माताओं के लिए आप थोड़ा थोड़ा सा दान जरूर करें ताकि हम अपने गौ माता को, इन गोवंश को दर्द और तकलीफ से बचा सके और इनका अच्छे से इलाज कर सके। जय गौ माता, जय गोपाल। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।